पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर लगातार अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन सहित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा विरोध किया जा रहा है। साथ ही जिले के सभी डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसका असर सीधा इलाज कराने आए मरीज में मरीजों के परिजनों को उठाना पड़ रहा है। वहीं मरीज के परिजनों ने बताया कि इमरजेंसी सुविधाओं के नाम पर भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, वही सोमवार से इलाज होने की बात कह रहे हैं। इधर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना बेहद शर्मनाक है, वहीं अस्पताल में इलाज के नाम पर इमरजेंसी सुविधा चालू है, भर्ती मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ऑपरेशन कराने क्या हुआ? नहीं कर रहे हैं आज। क्या बोल रहे हैं? डॉक्टरों का हड़ताल है। अच्छा, हाँ। क्या कारण हड़ताल बताया कुछ? क्या हड़ताल क्यों है? हड़ताल तो बताए, अब जो मैं नहीं जानता। अच्छा। बोले आज आपका काम नहीं होगा। कब होगा पता है? बोले सोमवार मंगल। दिक्कत हो रहा है आपको? हाँ, गोखरू में दिक्कत हो रहा है। आज बोले कलीम है। कलीम की आप यहाँ पे आए थे तो क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? मैं अपने पेशेंट को लेके आया था तो यहाँ पे बोले आज हड़ताल चल रहा है, किसी तरह से कुछ नहीं हो रहा है। आज जो इमरजेंसी वाले जो हैं, मतलब जो अभ्यर्थी जो है, पेशेंट लोग हैं, उसी पेशेंट लोग को देखा जाएगा खास करके। और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका आज किसी तरह से कोई काम बनने वाला नहीं है। आप चले जाएं, सोमवार के दिन जो है आपका काम होगा। ऐसे वो जो क्या है कि वो गोखरू का ऑपरेशन करवाना था, उनको काफ़ी दिक्कत हो रहा है चलने में, और थोड़ा सा ज़ईफ लाचार आदमी तो परेशानी होता है, इसलिए। तो क्या मानते हैं आप? हड़ताल होना चाहिए? नहीं, हड़ताल तो नहीं होना चाहिए भाई। पेशेंट आ रहे हैं, उनको इमरजेंसी वार्ड में आया था मैं तो, उनको हर हालत से इसको देखना चाहिए था कि भाई इमरजेंसी में आए तो कोई खास ही परेशानी की वजह से इमरजेंसी में आया ना, तो उनको देखना चाहिए था। अब वो नहीं देख रहे हैं, बोले हड़ताल चल रहा था, इमरजेंसी वार्ड का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, है कि नहीं? के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो जघन्य अपराध हुआ हमारी मेडिकल छात्रा के साथ में, उसके विरोध में आईएमए के तत्वाधान में आज एक दिन का स्ट्राइक रखा गया है, जिसमें अस्पताल की व्यवस्थाएं चलाने के लिए जो गंभीर मरीज होंगे उनके लिए ओपीडी चलाई जा रही है, और जो सामान्य मरीज होंगे बस उनको आज के लिए मना किया जाएगा। सर, अगर अस्पताल प्रतिदिन के बाद कितने मरीज आते हैं? अस्पताल में जो ओपीडी है 9 से 2 बजे तक चलती है, तो 9 से 2 बजे तक ये गंभीर मरीजों को एक ओपीडी खोला गया जिसमें गंभीर मरीजों को देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो सामान्य इमरजेंसी हमारा रहता है वो तो चालू रहेगा, वहाँ पर भी डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी गई है। सर, कितने डॉक्टर हड़ताल में हैं अभी? जो है सभी डॉक्टर्स जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टरों को इमरजेंसी के रूप में मरीजों को देखना है वो उनके लिए एक इमरजेंसी रूम हमने चालू किया है जिसमें गंभीर मरीजों को देखा जा रहा है। मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन 1200 से 1500 मरीज आ रहे हैं, तो उसमें से जो आज गंभीर मरीज रहेंगे उनको पूरा इलाज किया जाएगा, उनको आवश्यकता पड़ने पर एडमिशन भी किया जाएगा।